व्यसन का मार्ग विकट होता है, पूर्व जन्म के संस्कारवश और वर्तमान जीवन की संगतिवश संसारी प्राणी सत संस्कारों से हटकर अपने जीवन की दिशा को दूसरी ओर मोड़ लेता है। मगध सम्राट श्रेणिक राजा के शासनकाल में उनके ही पिता का और उनकी ही दूसरी माता राजा उपश्रेणिक की दूसरी रानी तिलकावती का पुत्र, चलाती चिलाती चिलाती पुत्र, ऐसे नाम आते हैं। सर्वप्रथम पिता के वचनवश साम्राज्य पद को प्राप्त हुआ, अर्थात मगध सम्राट बना, परंतु अपनी प्रवृत्तिवश उसने सबको क्लेशित करना प्रारंभ किया और तब राजकुमार श्रेणिक को वहां आकर अपने भाई को पराभूत करके, पराजित करके स्वयं राजा बनना पड़ा। और राजा बनने के बाद जब चिलाती नगर से बहिष्कृत हो गया, तब उसने डाकू का जीवन स्वीकार कर लिया। समय व्यतीत होता चला गया, लेकिन उसकी चतुराई इतनी थी कि वो कभी पकड़ में नहीं आता था। राजा श्रेणिक ने कई बार अभियान किया उसको बंदी बनाने का, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक दिन किसी सुभद्रा नामक श्रेष्ठी कन्या का विवाह होने जा रहा था और उस कन्या के रूप लावण्य का वर्णन चिलाती के गिरोह का एक बदमाश आकर उसको सुनाता है और वो अपनी शैली में बोलता है कि वो तो तुम्हारी होनी थी, बनिए की हो रही है। चिलाती ने कहा कि मेरा घोड़ा तैयार करो, और अपने घोड़े पर सवार होकर वो राजगृह नगरी में प्रविष्ट हुआ। पर क्या मजाल थी कि वहां पर कोई उसको अवरुद्ध कर पाता। उसने बड़े वेग से विवाह मंडप में प्रवेश किया और वहां से कन्या का अपहरण करके वापस अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर गया। हाहाकार मच गया,
जब राजा श्रेणिक के सामने यह समाचार यह संदेश पहुंचा, तब राजा ने स्वयं अपने घोड़े पर सवार होकर चिलाती के इन कारनामों का अंत करने का संकल्प कर लिया और उसके पीछे लग गया। चिलाती ने उस कन्या से कहा कि बोल, तू मेरी पत्नी बनने को तैयार है? कन्या कहती है कि मेरी सगाई हो चुकी, मेरा विवाह प्रारंभ हो चुका था, एक कुलीन कन्या ऐसा कार्य कैसे कर सकती है कि अपने होने वाले पति को छोड़कर किसी और को अपना पति बना ले। चिल्लाती बोलता है कि देख, हां या ना में मुझे उत्तर दे दे। कन्या ऐसे सिर झुका लेती है और ऐसे सिर हिला देती है। चिल्लाती को क्रोध का आवेश आ जाता है और वो उसी समय उस कन्या का वध कर डालता है। लेकिन हमने पूज्य मुनिवर श्री योग सागर जी के मुखारविंद से कुछ इस प्रसंग को जैसा सुना था वैसा आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। वो उसके बाल पकड़ करके उसका वध करता है तो सिर उसके हाथ में रह जाता है और धड़ नीचे गिर जाता है। राजा शिरणिक के मुख से कराह निकल जाती है जब उस धड़ को नीचे पड़ा हुआ देखता है कि अरे, अनर्थ कर डाला उसने। अब फिर उसका पीछा करता है कि आज वो बच नहीं सकता क्योंकि मैं संकल्पित हूं। और चिल्लाती भी जानता था कि श्रेणिक को जीत पाना उसके बस की बात नहीं थी क्योंकि श्रेणिक बल बुद्धि सब में कुशल था। दोनों एक ही पिता के पुत्र थे, भाई भाई थे, लेकिन दिशाएं अलग थी। इसलिए राजा को अपना कर्तव्य पालन करना आवश्यक था और वो घोड़े को वेग प्रदान करता है। राजा चिल्लाती का घोड़ा तो हवा से बातें कर रहा था, बहुत दूर वो जंगल में निकल जाता है। लेकिन जब उसको लगता है कि आज मेरी किस्मत जवाब दे रही है, जब उसको जीवन में पहली बार लगता है कि आज मेरे पीछे यमराज है, तब वो घोड़े से उतरकर घने झुरमुट में प्रवेश करके जंगल के अंदर गायब हो जाता है। राजा श्रेणिक खोज करते 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 बड़ी देर बाद वहां पहुंचता है जहां वो घोड़ा खड़ा था। धरती पर पदचिन्ह की खोज करता है कि कहीं ना कहीं तो छुपा होगा। पेड़ों के ऊपर भी देखता है, कहीं पेड़ पर तो चढ़कर मुझे चकमा नहीं दे रहा है। और फिर अंततः वो समझ जाता है कि यहां से वो अंदर चला गया है। और हुआ था ऐसा ही, वो अंदर चला गया था और अंदर कहीं दूर जाकर के उसको एक मुनि दत्त नाम के आचार्य तपस्या में लीन दृष्टिगोचर हुए थे और उतनी जो कालावधि थी उसमें उसने अपने मन में ही विचार कर लिया कि एक इनका जीवन है और एक मेरा। मेरे जीवन का अंत
दूर नहीं है। मेरा जीवन केवल दुष्कर्मों में व्यतीत हो गया। मैंने आज तक कोई भला काम नहीं किया। मैंने सातों व्यसन किए। मैंने निरपराध जीवों को सताया। मैंने त्रस और स्थावर जीवों का वध किया। मैंने बहुत अत्याचार किए। मैंने ऐसे ऐसे जुल्म किए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और आज मैं अपनी आंखों के सामने एक ऐसे तपस्वी को देख रहा हूं जो छोटे से छोटे प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते। ये कितने दयालु है और मां कितना क्रूर। मैं क्या करूं? इनको जाकर बता दूं? ये मुझे कोई मार्ग बतलाएंगे? जब विकट संकट मानव पर हावी होता है तब उसके अंतरंग में विवेक जागृत होता है, चिल्लाती उनके पास जाने के लिए कदम बढ़ाता है, लेकिन फिर अपने हाथों को देखता है तो वो बाल पकड़ा हुआ वो सिर था उसको रख देता है और उनके चरणों में जाकर कहता है कि हे गुरुवर, हे मुनिराज, मैं क्या करूं? मुझे कुछ बताओ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है। आज मुझे यह अनुभव हो रहा है कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। आपके तेज को देखकर, आपकी तपस्या को देखकर, आपकी मुख मुद्रा को देखकर मैं नतमस्तक हूं। मेरी रक्षा कीजिए। आचार्य कहते हैं कि मनुष्य के सत्कर्म ही उसकी रक्षा करते हैं। तू आज मेरी शरण में आया है, मैं अपराधी का कैसे उत्थान करूं? अपराधी को दीक्षा देना मना है। वो कहता है कि आप दीक्षा मत दीजिए, मैं आपको गुरु मानकर स्वयं आपका मार्ग स्वीकार करता हूं। मैं सब पापों का त्याग करता हूं, जीवन भर के लिए मैं साधुत्व को अंगीकार करता हूं। सर्व सावध्य विरतोस्मि। क्योंकि राज परिवार में वो पला था तो उसको कुछ स्थूल जानकारियां तो थी कि एक निर्ग्रंथ निष्परिग्रह साधु का कैसा दैनिक आचार होता है। तो उसने अपने केशों को उखाड़ना प्रारंभ कर दिया, अपने वस्त्राभूषण का विसर्जन कर दिया और जन्म हुए बालक के समान उस दिगंबर मुद्रा को, परम दिगंबर मुद्रा को धारण किया।
जिस मुद्रा को शास्त्रों में जिन मुद्रा कहा है, और ध्यानस्थ हो गया अंतरंग, क्रूरता विलीन हो गई, दुर्बुद्धि दुराचार दुर्व्यसन विलुप्त हो गए, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का प्रकाश जगमगा उठा। गुरु ने कह दिया था कि तुम्हारा जीवन अधिक नहीं है और सम्राट तुम्हारे पीछे तुम्हें दंडित करने के लिए आने ही वाले हैं, और बस ये ध्यानस्थ हुए और वहां से राजा श्रेणिक का प्रवेश हुआ। राजा श्रेणिक ने आचार्य संघ को देखकर विनम्र भाव से सबको नतमस्तक होकर प्रणाम किया, और फिर जब कन्या का मस्तक वहां पास में पड़ा हुआ देखा तो आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य श्री ये किसने डाला है, मैं एक अपराधी को ढूंढ रहा हूं, क्या वो यहां आया था? आचार्य श्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी राजा श्रेणिक समझ गए कि ऐसे प्रश्नों का गुरु महाराज क्या उत्तर देंगे, फिर क्षमा याचना करके आगे बढ़े। सभी मुनियों की वंदना कर रहे थे तो फिर एक स्थान पर पड़े हुए कपड़ों को और बालों को देखा, कपड़ों को देखते ही पहचान लिया कि ये तो उसी के कपड़े हैं, और बालों को देखकर आश्चर्य हुआ कि ये ऐसे उखाड़े हुए बाल किस, ये चिल्लाती कहीं मुझसे बचने के लिए साधु का भेष धारण कर तो नहीं बैठा है? और फिर सब मुनियों को सावधानी पूर्वक देखते हुए चिलाती के पास आकर वो पहचान गए कि ओहो ये साधु बन करके बैठा हुआ है, उसके वस्त्र उसके हथियार उसके आभूषण यहां वहां बिखरे पड़े हैं, और इधर ये कन्या का मस्तक। पर राजा ने विचार किया कि चाहे जो हो ये इस समय साधु अवस्था में है और इनकी मुख मुद्रा में किसी अपराधी वाला भाव दृष्टिगोचर नहीं होता, कहीं ये सचमुच साधु होंगे और मैं कोई अनुचित कदम उठा लूंगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जो भी हो सत्य की जानकारी समय पर मुझे प्राप्त हो जाएगी, आज ये साधु हैं और इस संघ के साथ विराजमान हैं, मैं इन्हें दंडित कैसे कर सकता हूँ, और उनको प्रणाम करके वो चला जाता है। सम्यक दृष्टि जीव थे श्रेणिक राजा, और इधर चिल्लाती ध्यान में बैठे रहते हैं, मरी हुई कन्या का जीव व्यंतरी बन जाता है और वो व्यंतरी अपने हत्यारे की खोज में इधर आ जाती है और इनको पहचान कर चील का रूप धारण करके इनकी दोनों आंखें सिर पर बैठकर पहले तो नाखून से केश लुंचित मुंड मस्तक को पीड़ित करती है और फिर आंखें निकाल लेती है और वहां से उड़ जाती है। उनकी आंखों के स्थान पर बहुत सारे जीव जंतु आ जाते हैं, 8 दिनों तक उस घोर वेदना को सहन करते हुए वो तटस्थ भाव से समाधि मरण को प्राप्त होते हैं, और द्वादशांग में जो
अनुत्तरोपवाद एक दशांग महावीर स्वामी के काल में, उसके अंतर्गत जो 10 महामुनि राजों का नाम है उनमें चिलाति पुत्र है, जो सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र पद को प्राप्त हो गए हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।